ॐ श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनम् ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीरब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः ॐ जातवेदसे सुनवाम सोमम् अरादीयतो निदहाति वेदाः स नः पर्षदति दूरवाणी विश्वा नादेव सिन्धुं दुरुतात्यग्निः ॐ आयुरयत्नेन कल्पतां प्राणो यत्नेन कल्पतान् अपानो यत्नेन कल्पतां व्यानो यत्नेन कल्पतां चक्षुरयत्नेन कल्पतां गश्रोत्रयत्नेन कल्पतां मनोयत्नेन कल्पतां वाग्यत्नेन कल्पतां आत्मा यत्नेन कल्पतां यज्ञो यत्नेन कल्पतां ॐ यज्ञो यज्ञपतिर्यजमा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृतियज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृतयज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानस्सामगायनः देवकीनन्दनसृष्टा क्षितिशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्रीशारङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुध सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति नमस्कार। आज जिस मंत्र भाग का पठन कर आज के दिवस की शुरुआत हम कर रहे हैं वही अग्निर्वस्थानम इस मंत्र श्रृंखला का अगला हिस्सा। The mantras that we just recited are continuation of the same Agni-Upasthanam mantras that we chanted yesterday. They are describing the importance of performance and necessities of yajna for all living beings. What was just said was that yajnas are life givers, healers, purifying techniques, giving energized spaces of existence for all living beings, thus being the necessity of all life. अभी इन मंत्रों में इन मंत्र भागों में ऐसा कहा गया है कि यज्ञों के माध्यम से शुद्धि कर पावन कर ऊर्जावान एक वातावरण का निर्माण किया जाता है और इस पवित्र वातावरण में जीवन के प्रफुल्लित होने के लिए सहजता होती है। इसीलिए यज्ञों का आचरण इसीलिए यज्ञों की नित्य तपस नित्य साधना करना आवश्यक है ऐसा इन मंत्र भागों में कहा गया है। यज्ञ के बारे में हमने पिछले 8-10 दिनों में विविध आयामों से चर्चा की है, आज भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दीर्घ श्वसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड नेसेसिटी एंड द डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ यज्ञ प्रैक्टिस, बट फर्स्ट लेट अस बिगिन विद द ओंकारा प्राणायाम टेक्निक। Sit as straight and as comfortable as possible. Keep your neck relaxed yet straight. Your arms on your knees and slowly close your eyes. Vinashram, शांत बैठे, पीठ को और गर्दन को सीधा रखें, हाथों को अपने घुटनों पर रखकर धीरे धीरे आंखों को बंद कर लें। श्वसन पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन योर ब्रेथ। Oh.
go back to breathing normally. आज जिस स्थल पर हम बैठे हैं वहाँ पर बैठकर ओंकार का नाद करना ये अधिक विशेष इसलिए है क्योंकि ये जगह आप में से बहुत लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते, जो नए नए से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए ये बता दूँ कि ये जगह परम सद्गुरु के पिताजी श्री स्वामी शिवानंद योगेंद्र महाराज जी की संजीवन समाधि का ये भाग है, आश्रम का। इसी स्थल को लेकर इस क्षेत्र का नाम शिवपुरी ऐसा परम सद्गुरु जी ने उसका उल्लेख किया था। और स्वयं स्वामी जी ये नाद ब्रह्म के उपासक थे, ओंकार के उपासक थे। और इतना ऐसा कहा जाता था कि इतना उनका साधना की एक इतनी ऊंचाई तक वो गए थे कि केवल श्वसन के माध्यम से ही नित्य ओंकार का नाद सुनाई देता था। टुडे इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू अस दैट वी कैन सिट हियर इन दिस होली प्लेस एंड चैंट ओंकार एज फॉर मेडिटेशन। This is the place where it is the Sanjeevan Samadhi, or the place of eternal resting of Param Sadguru's father, Swami Shivananda Yogendra Maharaj. He himself, Swamiji, was a proponent of the Omkara breathing technique, or the Nada Brahma as it is referred to as. It is said that he had reached so high levels of ascension through his rigorous penances and through his rigorous practice, that his normal breath also would emit the sound of Om. So this is a special moment for all of us. Now let us light the Agnihotra fire and we will do Agnihotra now. Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukabhivabandhanam Mrityoramukshinamamrutat Om Om Tryambakam Yajamahe सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकविभवन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकविभवन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वार्कविपवन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ की शिखाओं पर ध्यान केंद्रित करना है. वी विल मेडिटेट ऑन द मोमेंट्स ऑफ द फ्लेम्स आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ अग्निहोत्रा. फोकस ट्राइल सिट स्ट्रेट एंड फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ द फ्लेम्स.
सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेदसमायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत् किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः अस्पष्टं जगदास्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादद्यान्निजकल्याणहेतवे शुष्कवादरतः कीचिन्नन्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विलयमयान्ति विद्याकलहकारिणः नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डाः वेददूषकाः ये सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकाः यद्विदानतपः कर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतत् अनुशासनम् एवम् अनुशासितव्यम् एवम् उपासितव्यम् यद्यधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनःपुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि एक हमने नया एक उपक्रम किया है आज आप सभी को शायद कुछ लोगों को पता भी चला होगा हमने यहाँ पे फेसबुक पे और कुछ जगह पर उसका उल्लेख भी किया है। एक हमारे प्रसिद्ध अभिनेत्री डॉक्टर हैं जो काफ़ी भारत में भारत के बाहर भी काफ़ी उन्होंने काम किया है और इस प्राप्त परिस्थिति का उन्होंने काफ़ी नज़दीकी अभ्यास किया है क्योंकि ऐसी इन प्रकार की महामारियों को मैंने काफ़ी नज़दीक से पढ़ा है लिखा है उसके बारे में उसकी वजह से मैंने उनके साथ काफ़ी
व्यक्तिगत तौर पर चर्चाएँ की थी, तब एक मुझे लगा था कि सबके साथ उस ज्ञान को बांटना चाहिए, इसलिए उनके साथ एक चर्चा का सत्र हमने किया है जिसको फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमने अभी अपलोड किया है, तो आप अवश्य देखें। वी हैव डन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, देर इज़ अ वेरी रिनाउंड मेडिकल प्रोफेशनल रिनाउंड डॉक्टर हु ऑल्सो हैज बीन अग्रवर्ती फ्रॉम आवर फैमिली एंड ही हैज़ वर्कड विद मेनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड ऑल्सो एट मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड he has had experience of dealing with epidemics in, and has also worked with many teams who have dealt with large scale epidemics in other parts of the world as well. So I have been discussing with him personally about this current situation, and he raised many important points, many interesting aspects of the whole situation, which I wanted to share with you. So we have recorded a discussion with me and him, and we have put it up on Facebook and YouTube. Please go have a look. It is full of a lot of information, many interesting things that we have not have heard of yet, and also cleared a lot of doubts that are running in people's minds about what is happening out there in the world right now. So please go have a look and try and let us know if you need any more information on that. One thing that I think many people have been discussing is how long are we going to be in this lockdown? How long are we going to have to be in this state of shutdown, lockdown, whatever is being referred to as? And of course, the governments are going to give its own figures, going to give its own ideas, because they have thought about it and its own capacity. But I feel, have we not been in lockdown for all our lives? I mean, our entire lives we have spent in one or the other kind of a lockdown. एक प्रश्न जो काफ़ी लोग हमेशा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये सब लॉकडाउन कब खत्म होगा, ये बंद होगा, ये क्वारंटीन, ये सब कब खत्म होगा, क्योंकि वो परेशानी से महसूस करते हैं। तो सरकार अर्थात उस पर चर्चा करते होंगे, उनका एक अपना एक विचार विमर्श चल रहा होगा, वो सारे विचारों के आधार पर जो निर्णय योग्य हैं वो अवश्य लेंगे। व्यक्तिशा मुझे अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो जीवन भर लॉकडाउन में रहे हैं, हमने कब मुक्त विचार किए हैं, हमने कब मुक्त जीवन का अनुभव किया है, हम तो सदियों से लॉकडाउन में ही हैं। पूरा मानव समाज अगर आप देखो तो युगों युगों से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। एक सीमित संकुचित जीवन को जीने में आनंद मानकर उसी को हम लोग सारा सर्वस्व समझ रहे हैं। आप जाकर मार्केट में सब्जी खरीदना या दाल खरीदना या दूध लेके आना, इसको मुक्तता से करना, इसको आप स्वतंत्र जीवन अगर कहते होंगे तो शायद स्वतंत्रता की व्याख्या आपकी और हमारी अलग है। आई फील फॉर जनरेशंस, फॉर सेंचुरीज, फॉर ईयर्स ह्यूमैनिटी हैज स्पेंड इन सम काइंड ऑफ अ लॉकडाउन और द अदर। वी हैव बीन स्टक इन आवर ओन मेंटल लॉकडाउन फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। व्हेन हैव वी एवर फेल्ट फ्री? When have we thought free? When have we lived free? When have we loved free? We have never done that. We have always been in this cocoon, in this self-created isolation pod that we live in. And going to the supermarket, going to the school, going to the office, if that is your definition of freedom, then I think we need to rethink this whole thought, because freedom should be different. It should feel different. Free people don't destroy each other's lives. Free people don't commit violence. Free people don't harass each other or destroy the planet itself. जो मुक्त होते हैं, जो विचारों से भयरहित होते हैं, जो चिंता मुक्त होते हैं, वो अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, वो अपना जीवन यथार्थ करने का प्रयास करेंगे, वो अपना इस जीवन जो कोई एक अनुभव है, जो एक संधि मिली है, उसको परिपूर्णता से जीने का प्रयास करेंगे। वो किसी और की तरफ हिंसा करेंगे क्या, वो कि कोई द्वेष करेंगे क्या? जो मुक्त होगा, आज अगर आप सोचोगे जब घर में आप बंद हो, जब आप मुक्त होकर बाहर आओगे तो क्या करोगे? पहला इंसान मारना शुरू करोगे क्या? तो हिंसा करना, द्वेष करना, गाली गलौज करना, मत्सर से जीना, इस लॉकडाउन में तो हम सदियों से जी रहे हैं। ये तो मतलब छोटे मोटे चीज़ों को जिनको हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसको स्वतंत्र कहना मतलब बहुत ही स्वातंत्र की व्याख्या का एक मजाक उड़ाने जैसा है। हमने कभी मुक्त जीवन का अनुभव किया ही नहीं है। हम तो उसी में सीमित जीवन में
अपने आप को खुशी ढूंढ रहे हैं उसी में। तो अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में क्या अनुभव करना चाहते हैं, तो उस पर पुनर्विचार करना होगा। भविष्य का एक नया ढांचा हमको बनाना होगा, एक नई परिभाषा हमको बनानी होगी, क्योंकि इस सीमित परिभाषा को आप जीवन का सारा सर्वस्व अगर मानते होंगे तो हमको ये लॉकडाउन मुबारक है। फिर हम तो आगे भी शताब्दियों तक इसी लॉकडाउन में जिएंगे, उसमें कुछ बाहर निकलने का कुछ असर तो नज़र नहीं आता। इफ़ यू डोंट थिंक डिफरेंटली, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ इन टोटैलिटी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन दिस लिटिल टाइनी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट वी कॉल आवर एंटायर लिविंग, देन फॉर जनरेशंस हियर ऑन फॉरवर्ड एज वेल नथिंग विल चेंज, वी विल कीप लिविंग द सेम लाइफ। लुक एट द ग्लोबल फिगर्स ऑफ स्ट्रेस, लुक एट द ग्लोबल फिगर्स ऑफ डिसीज, लुक एट द ग्लोबल फिगर्स ऑफ violence and crime, look at the globe in total and find a place which is not experiencing some kind of a warlike situation, rise in crime, is not suffering from addiction related problems, healthcare is not an issue. Shayad, maybe you might find it very difficult to find such a place right now. Agar aap vishwa ki kisi bhi kone ko agar aap नक्शा खोल कर देखें और सारा विश्व आपके सामने रखे, एक ऐसी जगह ढूंढने का प्रयास करें जहाँ पे अभी कोई युद्ध जन्य परिस्थिति नहीं है, जहाँ पे तान तनाव से लोग ग्रस्त नहीं है, जहाँ पे जो हिंसा के जो अनुभव है, हिंसा का जो रेट है वो कम है, जहाँ पे क्राइम रेट शायद कम होगा, व्यसनाधीनता नहीं है, शायद ऐसी कोई जगह इस पृथ्वी पर अविशेष हो। और सबसे बड़ी जो एक चिंता विश्व के सामने है कि ऐसा भूभाग खोजिए जहाँ पे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का कोई असर नजर नहीं आ रहा हो अभी। फाइंड अ प्लेस ऑन दिस प्लैनेट वेयर क्लाइमेट चेंज इज नॉट इफेक्टिंग राइट नाउ। ऑल ऑफ दीज आर मैन मेड डिजास्टर्स, दीज आर बीन डिजाइंड बाय अस, दीज आर बीन क्रिएटेड बाय अस। सो वन वायरस इज सम हैज शोन अस आवर प्लेस रियली। ये सारी मानव निर्मित समस्याएं हैं, ये इसको किसी और ने निर्माण नहीं किया है, किसी को ऊपर वाले ने को नीचे आकर हमको तकलीफ देने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने आप में इतनी सक्षम है अपने आप को तकलीफ देने के लिए, किसी ऊपर वाले की क्रोध करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हम स्वयं पूर्ण है अपना जीवन बर्बाद करने के लिए। नो हायर पावर, नो गॉड मेकिंग एंग्री हैज टू बी द सिचुएशन फॉर अस टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। वी सीम टू बी वेरी वेरी केपेबल of creating destruction in large scale. Maybe this is a nature created situation right now, but most of the issues are man-made. We created climate change, we are pushing for war, we are pushing for supremacy and all of that nonsense. What does it hold for all the people who are infected right now? All the money in the world, all the hatred that we speak of in the world right now means nothing. सारा जो द्वेष जिसको हम लेके चलते हैं एक दूसरे की तरफ, इसके तरफ उसके तरफ, ये सारा जो कुछ जो हमने परिस्थिति निर्माण की है विश्व में, आज उसका कोई मायना नहीं रहा। अगर समझना ही है विश्व को तो हमको हमारे मेंटल लॉकडाउन से बाहर आना चाहिए। वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर मेंटल लॉकडाउन, अदरवाइज देयर इज नो फ्यूचर लेफ्ट। वी विल हैव टू कीप सफरिंग लाइक दिस। Some generation before us, I read in that interview Dr. Rajiv told me 100 years ago 5 million people suffered from the influenza pandemic. 100 years later, right now we are going through the same nonsense. God knows what will happen 100 years from now. So if this will keep happening, we will keep suffering humanity unless we decide to change, unless we decide to take a new road for us as a species. We are doomed. We are going to keep suffering, and not just because of the global issues, but even personal issues. How many of us can truly say that we have found a happy moment in life, a happy state in life? So I think that breaking through, breakout has to happen. हम में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इस जीवन को परिपूर्ण कह सकते हैं कि हमारा जीवन परिपूर्ण रहा, हमारा जीवन सार्थकता से हम जी पा रहे हैं? ऐसे हम में से कितने लोग हैं जो इसको ऐसा कह पाएंगे? बहुत कम होंगे, शायद कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमको नया मार्ग ढूंढना होगा, एक जीवन की नई परिभाषा बनानी होगी।
जब तक हम वो नहीं कर पाते, जब तक हम वो नहीं करेंगे। मैंने उसी इंटरव्यू में डॉक्टर राजीव कहते हैं कि 100 वर्ष पूर्व इसी प्रकार का एक समस्या जैविक महामारी की हुई थी जिसमें 5 करोड़ लोग बाधित थे। आज 100 वर्ष के बाद ये परिस्थिति है, शायद 100 वर्ष के बाद और क्या आएगा ईश्वर को मालूम। अगर हमको यही करना है, युद्ध में जीना है, तनाव में जीना है, रोगों से ग्रस्त होकर मरना है, इसी को अगर जीवन का अंत कहना है तो इसी लॉकडाउन हम आनंदित हैं। अगर ये नहीं चाहिए, एक नया भविष्य चाहिए अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, तो एक नया मार्ग ढूंढना होगा, एक नया ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। उस मेंटल लॉकडाउन में से निकल कर एक नए प्रकाश को देखने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मत है, शायद हमारे सारे अग्निहोत्र परिवारों का भी मत है, कि ये मार्ग इससे शुरू होता है, ये अग्निहोत्र से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो जिसका कल हमने उल्लेख किया था, जो इदम न मम कहते हैं, वो क्या है कि ये मेरा जो सीमित लिमिटेड एग्जिस्टेंस है, जो ये मेंटल लॉकडाउन है मेरा, ये मेरी व्याख्या मेरी नहीं है, ये मुझे इसमें से बाहर निकलना है, इसमें से मुझे छूट कर एक नए आयाम को स्पर्श करना है। दैट इज आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ दिस एंटायर जर्नी कैन स्टार्ट फ्रॉम अग्निहोत्र। इट इज नॉट जस्ट माई ओपिनियन बट द ओपिनियन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अग्निहोत्र प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज वी फील दैट अग्निहोत्र हैज गिवन अस दैट डायरेक्शन इन लाइफ where we can break out of this shell that we are staying in. Idam namama, that we say every day, 4 times in a day during Agnihotra. What does it mean? Idam namama means that this limited thinking that I am holding is not me. I want to break free, I want to break out of this limited existence and touch higher states of existence. And that could be possible through the agency of fire. That is the basis of Agnihotra practice. That is the basis of Agnihotra as a upasana, as a process of creating unity and oneness. Agnihotra prakriya ka, Agnihotra upasana ka, yahi mool hai ki humko hamare is simit astitva se nikal kar, asimit hamara jo ek vaishvik swarup hai, usko sparsh karana, yahi to Agnihotra ka mool aadhar hai. Aur isi ke liye Agnihotra ki shuruaat ki gayi hai, jaise Purush Sukta mein aaya hai, sarva vishnu mayam jagat. एक पुरुष सूत्र में कहा गया है, जो भी कुछ है, अनुरेणु है, पहाड़ है, सब जो भी है, ये सारा ईश्वर की ऊर्जा से भरा हुआ है। अगर सारा ईश्वर की ऊर्जा से भरा हुआ होगा, कि हम ईश्वर की ऊर्जा से भरे हुए नहीं है क्या? In the Vedic hymn, it is said that everything that is full of God's creative energy, from the mountains to the sea, to from the insect to the bird, everything that is full of pure and highest creative force of the cosmic consciousness. If everything is pure and sacred, how come we might not be the same? How come we are living this limited, finite life full of issues and troubles in our life? Why are we suffering so much when everything else in nature seems to be in harmony? Look at what is happening in the world right now. When half of humanity is locked up, I read that 40% of the global pollution levels have gone up. That nature has started to go back into harmony. So, is that how bad we are for this planet? That we can't find harmony within ourselves. That is why we end up disturbing and destroying everything else. मैंने कहीं पढ़ा था कि इतना बड़ा ये लॉकडाउन जो चल रहा है, इसके कारण पृथ्वी का जो एक प्रदूषण का स्तर है वो 35 से 40% तक कम हुआ है। इसका मतलब केवल मानवीय 8 या 10 दिन में मानवीय क्रिया, मानवीय जो जीवन क्रिया है उसको कम होने के वजह से इतना फर्क निसर्ग में पड़ा है। निसर्ग तो शांति में, समन्वय में और प्रसन्नता में जीता है, हम ही नहीं जी पाते, हम ही अप्रसन्न जीते हैं, हम ही भय से, क्रोध से, चिंता से, डर से जीते हैं। और इस डर को, इस चिंता को हम अपने जीवन में प्रकट करके सब पूरे विश्व को हम लोग आज व्यथा पहुंचा रहे हैं। तो अगर इस हमें से निकलना है तो अग्निहोत्र ये बहुत सक्षम उसमें का मार्ग होगा। एक नई दिशा, एक नए विचार की आवश्यकता है और वही भविष्य है। आई थिंक अ न्यू थॉट, अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट इज नेसेसरी। Unless we do that, the future doesn't seem to promise anything different. We have done the same, our parents did the same,
our children will end up doing the same, and so on and so forth. I feel Agnihotra is going to be the catalyst. Agnihotra is going to play a vital role in shaping the humanity of tomorrow. How it does it, how will it happen, is for something all of us need to understand and also witness. But I think personally this is the time for change. This is the time for all that shell to break out. This is the time for humanity to rise above its mundaneness and touch higher ascension. मेरा ऐसा स्वयं का विश्वास है कि वैश्विक परिवर्तन का ये जो काल है इसमें अग्निहोत्र बहुत प्रमुख भूमिका अर्जित करेगा. ये केवल एक छोटी घटना नहीं, एक वैश्विक परिवर्तन की कालखंड की एक अहम घटना है. इसमें से जो उभर कर आएगा वो ये कि मानवता शायद इसमें से एक नया आयाम लेके बाहर निकले, एक नई दिशा की ओर हम मार्गक्रमण करेंगे, एक प्रेम की, सद्भाव की, प्रकाश की ओर हम मार्गक्रमण करेंगे और पिछला कल को छोड़कर एक नए कल की ओर हम जाएंगे. अभी हमको आने वाले कल के बारे में सोचना है, बहुत भविष्य के बारे में सोचने के बजाय हम भूतकाल का सोचते हैं. पीछे ये था, पीछे वो था, वो तो छूट गया, वो रह गया पीछे. अब क्या होगा, अब आज है और कल है, आने वाला कल है. इस आज में उस कल को बनाने की हमको योजना बनानी है. कैसे हम मानव समाज को एकत्र लाएं, कैसे हम सबको एकत्र लेकर चले, इस बात की चर्चा होगी और उसमें अग्निहोत्र बहुत अहम भूमिका निभाएगा ऐसे मैं समझता हूँ. इस पूरे परिवर्तन के काल के दौरान हमको हमारा स्वत्व रखने के लिए हमको साधनामय होने की आवश्यकता है. अग्नि इदम नमम, ये जो है अग्निहोत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी देन है वो क्या है, ये शरणागत भाव है कि मैं ये इतना सीमित नहीं हूँ, मैं इतना ही पावन हूँ जितना ये पावक अग्नि है और उस पवित्रता को मुझ में भी प्रकट करना है. ये इदम नमम की जो भूमिका है इसको लेकर हमको आगे चलना है. यही भविष्य है कि मैं पवित्र हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ. और केवल इस लाक्षणिक लॉकडाउन से नहीं, हमको इस वैचारिक लॉकडाउन से बाहर निकलना है. वही भविष्य है और उसी के लिए हमको आगे क्रियान्वित होना है. और उसको करने की अवधि अगर आप सोचो कब आएगी तो शायद आपका विचार उनका अंत नहीं होगा. अवधि तो अब है, आज समय है परिवर्तन का. आज से ही जीवन आप प्रफुल्लित करने की शुरू करिए. हम लोग त्रस्त क्यों है, क्योंकि समय बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है, ऊर्जा बदल गई है, लेकिन विचार बदले नहीं है. जो रिजिस्ट करेंगे विचारों को, जो उसके खिलाफ जाने का प्रयत्न करेंगे, वो तनाव में है. Why are we suffering? Why are we in stress? Why are we not in content and happiness? Because we are resisting change. The universe has changed. The systems have changed. The energies have changed. Transformation is going on through every little particle on this planet. We are resisting it because our thoughts are stuck in that lockdown. Because we are locked in our thoughts. The day we release those thoughts, the day we become free from that lockdown, the day we decide to break free from those chains, we will see that life already has become full of love and happiness. There is nothing stopping you from being happy right now. There is nothing holding you back to mundane. Everything is asking you to be free. Only you yourself need to understand that that moment is now, that moment is here. There is no time to waste, no time to think, no time to analyze beyond a certain limit, because you will only keep wasting your own time. If you want really to be free, to be happy, to be full of love, to experience this cosmic change in a shift in energy, just decide that today I am going to be different. Idam namam, not me but of the universe, not limited, finite but infinite. Idam namam ka baare mein sochna hai. मेरा नहीं, इस विश्व का, इस ईश्वर का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है वही मुझ में सम्मिलित है, ये मानकर चलिए. इस सीमितता से असीमित की ओर जाएंगे, सूक्ष्म से विशाल की ओर जाना है, यही भाव लेकर चले. इसी भाव का आपके हृदय में स्थायी भाव निर्माण हो, ये अग्निहोत्र की सबसे महत्वपूर्ण देन है. क्या हम निसर्ग को शुद्ध कर पाएंगे, क्या 10 दिन घर बैठ गए तो भी प्रदूषण कम हो गया, उसके लिए अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं है. 10 दिन घर बैठकर युद्ध भी नहीं हो रहे, घर बैठ गए हैं तो क्राइम रेट भी कम हो गया, घर पे हैं तो कोई लोग अपने व्यसनों को पूरा नहीं कर पा रहे. काफी पर टीवी पर देखा कि लोग तकरार कर रहे हैं कि हमको बाहर छोड़िए भाई, हमारा हमारे जो भी आवश्यकता है वो नहीं मिल रहा है. तो
दस दिन घर पे बैठने से मानव था कि 50% से ज्यादा समस्याएं कम हो गई है, तो क्या मानव को घर पे बैठे रहना ये समस्या का अंत है? बिल्कुल नहीं है। जब हम बाहर जाएंगे तो केवल घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम उस सीमित विचारों से बाहर जाएंगे, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व विशाल है, इस भूमिका को लेकर बाहर जाएंगे। ये मुझे लगता है इदम नमा का सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पूछे इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है कि आज आप घर में बैठे हो, एक डर से बैठे हो, बोर हो गए हो, वही रिपीट करके थक गए हो, क्या बाकी जीवन की चीज़ों को करके थके नहीं हो गया? कितना वही चीज़ें हम लोग रोज करते हैं, कितनी बार वही चीज़ों को उसी सीमित उसी संकुचित विचारों से करते हैं, कभी उससे बोरडम नहीं आ जाएगा। एवरी डे पीपल से दैट इज मोनोटोनस, इज बोरिंग, टायरिंग, फ्लस्टर्ड इन दिस होम लिटिल स्पेस दैट आई एम कन्फाइंड टू। हैव यू नेवर थॉट दैट वी आर बोर्ड विद अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल? द सेम mundane things we keep doing with the same limited understanding of life, with the same monotonous way of doing things. I think the time is there to now think deep, time is there to now think beyond what we can literally see. Life is big, life is large, and that I think is the biggest gift that Agni Mudra can give us. So I think air is already getting clean, water is becoming clean, crime has gone down. You know, most of the things that we worry about, just by doing nothing, it is going down. Peace and sport, peace is there. Nature is in peace right now. As if we are nature's coronavirus. As if the nature found an antiviral against us. So I think that is the biggest gift that Agni Mudra can give us, a new future, a new way of thinking, not just a new way of living, but a new way of thinking. And I think that will be a very, very important aspect, a very important part of the coming tomorrow. So I think, anything more? So, some more points, but I think little at a time. I don't want to give it too much of a gloss. I don't want it to be too much to digest. The first thing is think big, think beyond what you can think right now. Use this time for that. That this is your time in isolation, not from the virus, but from yourself. आप इस वायरस से तो दबक के घर पे बैठे नहीं हैं, आप अपने आप से दबक के घर पे बैठे हैं। ये सोचिए, ये मुझे मेरी व्याख्या पुनश्चय एक बार परिभाषित करनी है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसको पुनर्परिभाषित करना है। और इस आने वाले समय को उसके लिए आप इस्तेमाल करिए, आपको इतना बोरिंग नहीं लगेगा। क्या तो रमेश जी कुछ लोगों के अनुभव सुनाए? Hi, this is Jagruti Vadhia recording from Mumbai. I am a microbiologist and I do Agnihotra every day for the past 20 years. Agnihotra actually is a Vedic process right from the Vedas, and it helps in purifying the atmosphere and actually reduces pollutants like sulfur dioxide, carbon monoxide. It also drastically reduces the microflora in the atmosphere by almost 98%. The pathogenic bacteria are also reduced. I have myself personally done tests, which is antibiotic sensitivities, using Agnihotra ash discs and copper pieces, as well as turmeric. And it is very interesting to know that the inhibition zones around these ingredients was the highest, when we did antibiotic testing against gram-positive and gram-negative bacteria, specifically Staphylococcus aureus. A message from us here from Mumbai in the COVID to help battle this COVID pandemic is to keep washing your hands, social distancing, try to be away from people as much as possible, and follow all infection control measures, stay safe. To Agnihotra, that's it. Thank you. Namaste from Venezuela. Blessing to you, blessing to India. These two will pass.
let us do our parts as devotees and servant to the light in Ayurvedic medicine, in quantum medicine, and in Hostra. It has medicine power for the human, for the animals, for the plants, and in Hostra produce an Oma atmosphere, unit in service, unit in family, unit in Sangha, unit. We will remain and build a new age, the age of Aquarius, the age of Kali Yuga, the age of Maitreya, anchor, 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 the kidneys in every world. Om India, Om. Om Asia, Om. Om Eurasia, Om. Om Venezuela, Om. Om South American, Om. Om Kalki, Om. Om Maitreya, Om. Om Buddhaya, Om. Om Shanti, Om. प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र का अंत करेंगे। जाने से पहले फिर से एक बार रोज की तरह याद दिला दूं, अग्निहोत्र करते रहे और याद रखें कि हम सब एक साथ हैं, इस सारे सत्र में हम जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे, रोज इस पर चर्चा करते रहेंगे। जितने भी लोग जिन तक आप पहुंच पाए उनको पहुँचाया कहें कि हमारे साथ रोज शाम जुड़ना है। सो बिफोर वी एंड लाइक एवरी डे रिमाइंडेड दैट कीप डूइंग अग्निहोत्र। Remember, not just these days, but for every day for us is a day of togetherness. We are linked with this holy fire and we will keep linking together as long as we can. Tell other people also to join us in this whole process of change. Sarve Bisukhina Santu, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bradharani Pashyantu, Ma Kashchit Dukham Apnuyat. ॐ शांति शांति शांति। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत्सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्री कांजी महाराज की जय।